जद कदे भी दुनिया उते पापां दी लाल अंधेरी चुलदी है तां ओह अकाल पुरख वाहिगुरु अपने जीवां दी संभाल करन लई इंसानी कालब धारण करके जीवां दा सहारा बनदा रहा है। सतगुरु दे रूप विच प्रगट होके लखां जुगां तों बिछड़ियां होईयां रूहां जो कि पपीहे दी तरह अमृत रूपी स्वाती बूंद नूं तरस रहियां सी, अमृत रूपी बचना दी वर्खा करके उन्हां दी त्रिखा नूं शांत करदियां रहियां हन। हजूर महाराज तेजा सिंह जी दा जन्म 3 जुलाई 1899 विच होया। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी पासो 1923 विच नामदान दी प्राप्ति होई। हजूर तेजा सिंह जी महाराज ने जिला अमृतसर पिंड सैदपुर विच 40 साल दिन रात नाम दी कमाई कीती। हजूर सावन सिंह जी महाराज दे हुक्म अनुसार सत्संग अते नाम दा अटुट प्रवाह जारी कीता। जिन्नी दया हजूर तेजा सिंह जी महाराज ने दयाल होके दोवां हत्थां नाल बरताई एक मिसाल कायम कर दिती। ऐसे संत सतगुरु दी महिमा अते गुरु पूजा दा दर्जा धर्म ग्रंथां विच सब तो उच्चा दस्या गया है, जिन्हां विच संत हजूर रसीला राम जी महाराज भी उस कुल मालिक दी महफल दे एक रंगीन सितारे हन। आप पिंड सरोर डाकखाना खास तहसील रणवीर सिंहपुरा जम्मू ते कश्मीर माता उमरी जी अते पिता श्री बठू राम जी दे घर लाल प्रगटे 30 अक्टूबर 1921 ईस्वी यानी 15 कत्तक 1978 बिक्रमी नूं संत रसीला राम जी महाराज ने अवतार धारण कीता। हजूर रसीला राम जी महाराज शुरू तो ही प्यार दे समुंदर सन, देखन वाले दे दिल विच भी प्रेम दी लहर पैदा हुंदी सी। इस अंदरूनी भेद दा किसे नूं की पता सी कि इस मनमोहनी सूरत ने दुनिया भर दे मैदान विच इक प्रेम दी लहर पैदा करनी है। जद किधरे साधु महात्मा दी शोभा सुनदे सन तां उसे वक्त उठ के उन्हां दे दर्शनां नूं चले जांदे अते कई कई दिन वापस घर नहीं सन आउंदे। घर आए साधु संतां दी खूब सेवा करदे सन। आप जी दी शादी पिंड चक नाजर तहसील साबा जिला जम्मू ते कश्मीर अच्छे घराने घर श्री काका सिंह जी दी सपुत्री सीता देवी दे नाल होई। आप जी दे घर दो बच्चे पैदा होए, साहिबजादा देसराज अते बीबी राम प्यारी। सन 1940 तो पहला करम सिंह नां दा एक साधु पिंड जग्गू चक तहसील शंकरगढ़ दे इलाके विच राधा स्वामी मत दा सत्संग करदा हुंदा सी। ओ साधु सतगुरु सावन सिंह जी महाराज दा सेवक सी। जद उन्हां दा सत्संग हजूर रसीला राम जी ने सुनिया अते हजूर महाराज सावन सिंह जी दी महिमा सुनी तां ओ वचन दिल विच तिखे तीर बन के खुब गए। इतना प्यार जागया कि जे किधरे बाजार विचों विकते खंभ मिल जान तां उड के सतगुरु सावन सिंह जी दे डेरे ब्यास पहुंच जान। जद सतगुरु अते सत्संग दी पूरी समझ लग गई अते पक्का यकीन हो गया कि ऐसे संत सतगुर ही दुनिया ते एक अमूल्य दौलत बंडदे हन जो जीव नूं 84 दे चक्कर तो आजाद करवा दिंदी है। तां सतगुर सावन सिंह जी दे डेरे ब्यास दा पूरा एड्रेस लै के उन्हां दे दर्शनां नूं तैयारी कीती। हजूर रसीला राम जी दी माता ने कहा, पुत्तर ब्यास ना जाइयो, मैं सुनिया कि उत्थे जिहड़ा जांदा है ओह साधु हो जांदा है, किधरे तुसी भी ना साधु बन जाइयो। पर माता जी नूं इस गल दा की पता सी कि इन्हां ने आपे साधु बनना तां किधरे रहा, बल्कि हजारां नूं साधु बनाणगे। जद सतगुरु सावन सिंह जी दे दर्शन कीते तां ओह खुशी नसीब होई
जिस नूं मिलदी है ओह जानदा है। नामदान लैण दी ख्वाहिश नाल सन 1940 विच जद संत रसीला राम जी नाम अभिलाषियां दी कतार च सब तो अगे खलोते सन, तां हजूर सावन सिंह जी महाराज ने संत रसीला राम जी नूं सिर तो लैके पैरां तक 3 वार नजर फेर के वेख्या अते खुशी नाल अंदर जाण लई इशारा कीता। बाबा तेजा सिंह महाराज जी ने 12 साल डेरा ब्यास विच लंगर दी सेवा कीती, भजन बंदगी करदे रहे। हजूर सावन सिंह महाराज जी दे हुक्म नाल बाबा तेजा सिंह जी ने सैदपुर विच मानवता दे कल्याण लई नामदान दी बख्शिश करनी शुरू कीती। 2 अप्रैल सन 1948 शुक्रवार सवेरे 8 बजे हजूर सावन सिंह जी महाराज ज्योति जोत समा गए। प्रेमी जना वास्ते खुशी दा सूरज गमी दे स्या काले बदलां दे हेठ आ गया। संत रसीला राम जी कई बार ब्यास जांदे रहे, पर ओ सोहनी सूरत नजर ना आई जिस नूं वेख के दिल दियां मुरादां पूरियां हुंदियां सन। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाउ तिस पहि आप विचाई, जो कोई एक बार मेरे सतगुरु दे दर्शन करवा देवे असी अपना शरीर उसके अगे अर्पण करने लई तैयार हाँ। जद इतना पक्का प्रेम सतगुरां दे नाल अते मजबूत हिरदा रसीला राम जी दा देखिया तां मुनीम दुर्गादास ते बीबी वजीर देवी ने सैदपुर वाले बाबा तेजा सिंह जी महाराज दी सिफत कीती अते दस पाई, क्योंकि जब बाबा तेजा सिंह जी महाराज दा ब्यास डेरे गुफा विच 3 दिन 3 रातां अंतर ध्यान लगा सी, तां बाबा सावन सिंह जी महाराज ने गुफा विच जाके बाबा तेजा सिंह जी नूं थापना दित्ती सी अते उच्ची बांह कढ के कहा सी, इह हुण भाई तेजा सिंह अपने परम धाम पहुंच गए हन, इन्हां ने अपना काम पूरा कर लिया है। अते सैदपुर दीआं संगतां दी मंग नूं विचारदे होए बाबा तेज सिंह जी नूं सैदपुर भेजा गया सी। इह जाण के हजूर रसीला राम जी महाराज चलदे चलदे सैदपुर पहुंच गए। उत्थे जा के जद बाबा तेजा सिंह जी दे दर्शन कीते तां उन्हां ने उसे तरह 3 वार पैरां तों लै के सिर तक नजर मारी जिवें हजूर सावन सिंह जी ने नाम देण दे वक्त 3 वार सिर तों लै के पैरां तक नजर मारी सी। ओ नजर हजूर तेजा सिंह जी दी प्रेम भरी सी। जद रात नूं सत्संग सुनाया तां सतगुरु बिछड़े दे संकल्प सी सब दूर हो गए अते होर जो भी दिल विच शक जां फुरने सी सारे ही सत्संग विच हल हो गए। संत रसीला राम जी महाराज दी बेनती करन ते हजूर तेजा सिंह जी महाराज ने 2 दिन दा दौरा जिला जम्मू पिंड सरोर हजूर रसीला राम जी दे घर दित्ता। शाम दे वक्त हजूर तेजा सिंह जी महाराज संत रसीला जी दी जमीन वल सैर करन गए तां हजूर रसीला राम जी ने अर्ज कीती कि सच्चे पातशाह जी सानू इस जमीन विच गुफा कढ़न दा हुक्म दिओ, जो असी किते एकांत विच बैठ के आप जी दे हुक्म दी पालना कर सकीए। फिर हजूर तेजा सिंह जी महाराज ने उस जमीन विच एक अंब दे बूटे कोल खुंडी नाल गुफा दा निशान लाया ते हुक्म दे दिता कि इत्थे गुफा कढ लो। हजूर रसीला राम जी ने इतना भरोसा रखिया जो दिन रात गुफा विच ही गुजारन लग पए, यकदम रोटी पानी भी छड़ दिता। बेशक इन्हां दा शरीर कमजोर हो चुका सी, पर इन्हां ने सतगुरु दे हुक्म दी पूरी पूरी पालना कीती अते जद आप दा पक्का दृढ़ विश्वास सतगुरां ने देखिया तां 8 दिनां विच ही ओह शब्द दी लज्जत बख्श दित्ती। संत रसीला राम जी महाराज जी सरोर विच 2 साल तक रहे। संत रसीला राम जी महाराज ने किशनपुरे विच गुफा बना के बंदगी कीती अते उत्थे आप 2 साल तक रहे। दैया चक दी संगतां दी अर्ज सुन के दैया चक आ गए अते गुफा बना के 13 साल एक टक बंदगी कीती। सन 1962 विच एक दिन सैदपुर विखे संत रसीला राम जी बाबा तेजा सिंह जी दी गुफा दे बाहर खड़े खड़े अंतर ध्यान हो गए। बाबा तेजा सिंह जी ने आके थापना दिती तां संत रसीला राम जी महाराज ने उन्हां नूं कुट के जफा पा लिया
हजूर महाराज बाबा तेजा सिंह जी ने कोल खड़े सेवादारा नूं कहा कि इस ने मैनू नहीं छड़ना, इस मैनू अंदरों पहचान लिया है। हजूर तेजा सिंह जी महाराज ने आप जी नूं गुरगद्दी बख्शन दे बारे विच हुक्म देना 5 दिन पहले ही लिख के दे दिता सी। ਉਹ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰਸੀਲਾ ਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੈਦਪੁਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਨ 1967 13 ਚੇਤਰ 2023 ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਸੀਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਰਸੀਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 1968 ਮੁਤਾਬਿਕ 13 ਚੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਬੰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਲ ਕੀ ਦਇਆ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਹਾਏ।